हे क्रिस, क्या तुम ये गेम खेलना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। अबे तुझे पता भी है इसके विनर को एक सीक्रेट सुपर पावर मिलेगी। अबे भाई थोड़ा तो डरो, वैसे ही सर अपने इतने गुस्से वाले हैं, और अगर सोचो वो घोस्ट बन गए तब, और उसके लूजर को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, इसीलिए तो सिर्फ 6 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। ठीक है, तू मत खेल, मैं तो खेलूंगा। पर टोनी मेरी बात तो सुनो, अब तुम मरने वाले हो। नहीं, मुझे अब सुपर पावर मिलने वाली है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का गेम में स्वागत है। गेम बहुत इजी है, आप जो करोगे मुझसे पूछ के करोगे और आप गेम में आगे बढ़ते जाओगे, और जो मुझसे नहीं पूछेगा उसको मैं मार दूंगा। सिंपल। सर क्या मैं बैठ सकता हूँ? नो टोनी। सर क्या मैं बैठ सकता हूँ? यस बेटा। हे टोनी, पोलो खाओगे? नहीं। हाँ ठीक है, ना खा, मेरा पोलो ही बच गया। OMG, लगता है कोई सर से परमिशन लेना भूल गया। अब सिर्फ 5 लोग बचे हैं। सर क्या मैं क्लास में सो सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। सर क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? नो। सर क्या मैं पानी पी सकता हूँ? नहीं। सर क्या मैं पानी पी सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, पियो। सर क्या प्लीज मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ? नहीं बेटा, मगर तुम ये जोलो चिप्स खा सकते हो, और तुम खाओगे भी। नहीं सर। क्या तुम मुझे मना कर रहे हो? अरे सर उसके गले में लग रहा है, क्या मैं उसे पानी दे दूं? नो। सर मे आई गो टू वॉशरूम? यस, थैंक गॉड। हाय टोनी। ओए तूने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे तो लगा कि मैं ही वॉशरूम में अकेला हूँ। यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें नहीं लगता कि सर लोकी को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? चुप हो जा भाई, हमारी बातें सर सुन सकते हैं, घोस्ट है ना। अरे वो वॉशरूम में थोड़ी ना होंगे। अगर तुझे विश्वास नहीं है ना तो कुछ पूछ के देख। ओके फाइन। सर क्या मुझे हैंड वॉश करने के लिए आपसे पूछना होगा? यस यस, तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा। सर क्या मैं हैंड वॉश कर लूं? नो नो, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लोकी की साइड लेता हूँ ना, तो अब तुम्हें पूरा वॉशरूम अपने हाथों से साफ करना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या तुमने मुझे ना बोला? अरे नहीं सर, मैं इतना गंदा काम नहीं कर सकता। हा 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 हा, सो बैड। सर क्या मैं अपनी फैमिली से बात कर सकता हूँ? नो, मैं तुम्हें परेशान होते हुए देखना चाहता हूँ। और सर क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सर क्या मैं भी बात कर सकता हूँ? नो, तुम नहीं कर सकते। ये तो गलत है, आपने लोकी को हर चीज अलाउ करा पर हमें नहीं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जरूर जान सकते हो, लेकिन मरने के बाद। नहीं, मैंने अभी किसी भी बात को इनकार नहीं किया है, मैंने तो बस आपसे इतना कहा कि ये गेम फेयर नहीं है। ओह टोनी, तुम्हें तो लगता है ना कि सर फेयर गेम खेल रहे हैं? यस सर, आप बिल्कुल फेयर गेम खेल रहे हैं। गुड बॉय। चलो इसी बात पे मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, थैनोस को शूट करो। क्या? सर वो मेरा दोस्त है, क्या मैं आपकी ये बात टाल सकता हूँ? नो। प्लीज मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो हम दोनों मारे जाएंगे। जल्दी करो टोनी, सर को वेट मत करवाओ। आई एम सॉरी दोस्त। वेरी गुड टोनी, मुझे तुम पर गर्व है। सर क्या मैं पानी पी सकता हूँ? नो टोनी, अब सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं, और तुम में से किसी एक को मिलेगा वो सीक्रेट पावर। सर क्या मैं खा सकता हूँ? यस यू कैन ईट। सर क्या मैं कुछ खा सकता हूँ? नो। क्या सर ने कभी तुम्हारी कोई बात टाली है? नहीं, अभी तक तो नहीं। ये तो बहुत गलत है यार। सर ने कभी नहीं कहा था कि ये गेम सही होगा। सर क्या मैं ये गेम क्विट कर सकता हूँ? नो। तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं, जब आपको पता है कि विनर लोकी है, तो मुझे परेशान करने से अच्छा मार ही दीजिए ना। तुम सही कह रहे हो टोनी, अब सर विनर को चूज करेंगे, एंड आई विल किल द लूजर। क्या आप श्योर हो सर? सर हमेशा श्योर होते हैं। तुम में से अब एक को वो सीक्रेट सुपर पावर मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले। सर आपने मुझे बचाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टोनी। ओ माय गॉड, मैं इस गेम का विनर हूँ, मैं जीत गया। यस।
टोनी आई कांट बिलीव तुम इस गेम के विनर हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू अभी तक जिंदा है। और मुझे सीक्रेट सुपर पावर में अनलिमिटेड मनी है, ऐसी मनी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। हेलो डियर टोनी। सर? सर को ऐसा फील हुआ कि टोनी ने उनसे अच्छे से बात नहीं की। क्या तुम मुझे थैंक्स भी नहीं बोलना चाहोगे? लेकिन मुझे पता है कि तुम सर को किस तरह से थैंक यू बोल सकते हो। अब सर तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, तो क्या तुम सर को एक्सेप्ट करोगे? हेलो टोनी। हेलो सर। क्या हुआ टोनी? तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ या नहीं। सर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और मुझे आपसे पूछना था कि आपने लोकी को मारा और मुझे जिताया, बल्कि मुझे स्टार्टिंग से क्लियरली दिख रहा था कि आप लोकी की हर बार साइड ले रहे थे। हाँ, मैं उसका साथ दे रहा था, लेकिन एक दिन मैंने देखा। यार लोकी एक बात बता, सर तो तेरी इतनी साइड ले रहे और लास्ट में अगर सर ने टोनी को जिता के तुझे मार दिया तब? अगर ऐसा हुआ तो मैं टोनी को तुरंत मार दूंगा, फिर मैं विनर बन जाऊंगा, क्योंकि लास्ट तक जो सर्वाइव करेगा वही इस गेम का विनर है। इसलिए मैंने उसे मार दिया। टोनी क्या तुमने सिलेक्ट कर लिया? अरे यार मुझे लग रहा है कि अगर मैंने कहीं नो चूज करा तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अरे अब वो तुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, अब गेम तो ओवर हो चुका है ना। The next day. टोनी क्या हुआ? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। सर अभी मेरा कुछ फाइनल नहीं है, अभी क्रिस आ जाए फिर मैं सोचूंगा। ओह, अब वैसे मुझे लगता है तुम्हें उसका वेट नहीं करना चाहिए। आपने क्रिस के साथ क्या किया? क्रिस तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। बैटमैन क्या तुमने क्रिस को देखा? नहीं। सुपरमैन क्या तुमने क्रिस को देखा? नहीं। क्या? एक मिनट। यार मैं बोल नहीं सकता वरना सर सुन लेंगे। मैंने सुबह ही देखा कि सर ने क्रिस को स्कूल में ही कहीं छुपा दिया है। सर आप मेरे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, सर जो चाहे वो कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने तुम्हें गेम का विनर बनाया है। थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन मैं आपको अपना दोस्त नहीं बना सकता हूँ। अरे टोनी मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारे दोस्तों से बेहतर दोस्ती निभा के दिखाऊंगा। नो क्रिस तू ठीक तो है? हाँ भाई मैं ठीक हूँ। तो तुमने फाइनली सर को ना बोल दिया? हाँ, और आई एम सॉरी, मेरी वजह से वो घोस्ट तुम सबको परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। तुम कौन? मैं हूँ न्यू स्टूडेंट। मैंने सोचा क्यों ना तुमसे फ्रेंडशिप कर ली जाए। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ये आवाज मुझे थोड़ी जानी पहचानी से लग रही है। ओ अच्छा, वैसे तुमने क्या नाम बताया अपना? डेविल। यू मीन घोस्ट? हाँ, पर मैं घोस्ट नहीं हूँ। टोनी तुमने सुना? क्या? अरे अपने सर कहीं अचानक से गायब हो गए हैं। क्या गायब हो गए? कहाँ गायब हो गए? अरे भाई पता नहीं यार, पर मुझे तो लग रहा है क्या कि इस गेम के घोस्ट ने सर के ऊपर काबू कर लिया है। तो अब क्या भाई, तू कोशिश करना कि वो तुझे ना ढूंढ पाए। क्यों? क्योंकि क्या पता अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। मुझे तो लग रहा है उसने मुझे ढूंढ लिया है, तो यार अब इसे रोका कैसे जाए? पता नहीं भाई, पर शायद जब घोस्ट खुद चाहेगा तभी वो इस गेम को छोड़ के जा सकता है। अरे यार तो अब मैं उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, वो तुम जानो भाई। हाय टोनी। डेविल तुम? हाँ मैं। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा, मैं तो यहाँ पर हैंड वॉश करने आया हूँ। ओह अच्छा, बाय द वे तुमने प्लेग्राउंड में मुझे बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगे। एक मिनट जार्विस। हे टोनी ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओह अच्छा, तुम यहाँ उस जार्विस से बात कर रहे हो? ओए मेरे हाथ खोल दे। मैं तो कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करूं। ओह अब मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते थे, तुम्हारा तो कुछ और ही मकसद है। हाँ तुम एकदम सही हो। तो क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझे तुम्हारी सुपर इंटेलिजेंस पावर चाहिए। क्या ये कोई पावर नहीं है जो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूं? हाँ हाँ मुझे पता है ये कोई पावर नहीं है, बट मुझे तुम्हारा इंटेलिजेंस को यूज करके एक बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट करनी है जिससे मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बेचारा अब तुम कर भी क्या सकते हो? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बेटा अभी तुम जार्विस को जानते नहीं हो, उसने अपना काम कर दिया है। क्या? हेलो।